अच्छा, देन फार्मा का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और द इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस दैट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू डायूरेटिक्स. ठीक है, तो हमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स का पता है कि इनका NaCl के यूरिनरी एक्सक्रीशन में इतना रोल नहीं है. इनका मोस्टली रोल किस में, बाइकार्बोनेट आयंस के सेक्रीशन में. तो आप देख सकते हैं कि इसमें उसका ज़्यादा एक्सक्रीशन हो रही है यूरिन में बाइकार्बोनेट की, सोडियम और पोटेशियम की बहुत मिनिमम सी एक्सक्रीशन हो रही है व्हेन वी गिव द कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स. लूप एजेंट्स देंगे तो वी नो कि NaCl की तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बाइकार्बोनेट आयन की कोई नहीं होती इसमें एक्सक्रीशन, और पोटेशियम की बहुत मिनिमम सी होती है. थायजाइड में मोस्टली NaCl का एक्सक्रीशन हो रही होती है, बाइकार्बोनेट और पोटेशियम की बहुत कम होती है. लूप डायूरेटिक्स और थायजाइड देंगे तो डेफिनेटली दोनों में NaCl की बहुत ज़्यादा एक्सक्रीशन शुरू हो जाएगी. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. और अगेन बाइकार्बोनेट की बहुत कम एंड पोटेशियम की बहुत कम. पोटेशियम स्पेयरिंग में अगेन NaCl की तो होगी एक्सक्रीशन, बाइकार्बोनेट की भी होगी, जबकि सिंस दे पोटेशियम स्पेयरिंग तो पोटेशियम की एक्सक्रीशन नहीं होगी यूरिन में. ठीक है, तो एक ये देखना कि लूप एजेंट्स में बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन नहीं होती, दूसरा ये देखना है पोटेशियम स्पेयरिंग में पोटेशियम की एक्सक्रीशन नहीं होती. ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है. दूसरी ये कि जब हम थायजाइड और लूप डायूरेटिक्स को एक साथ देते हैं तो NaCl की एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा होती है. फिर इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट डायूरेटिक्स के नतीजे में बॉडी की पीएच में क्या फर्क पड़ता है. तो हमने वो पहले ही देख चुके हैं जब हमने डिफरेंट डायूरेटिक्स स्टडी किए थे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स में और पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स में हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो रहा था, तो बॉडी की पीएच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. जबकि लूप डायूरेटिक्स में और थायजाइड एजेंट्स में क्या डेवलप हो रहा था, हाइपोकलेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, तो बॉडी की पीएच ज़्यादा हो जाएगी. तो फर्स्ट और लास्ट का सेम है और सेकंड और थर्ड का सेम है, तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस व्हिच अकर्स इन रिस्पॉन्स टू गिविंग डिफरेंट डायूरेटिक्स.